The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ढोल नगारे, मूर्तियाँ, सजे धजे लोग और महोत्सव का माहौल आपने जरूर देखा होगा। अगर इसी बीच हर जगह पेनिस ही पेनिस नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? घिक्की बंध गई ना। जिस बारे में पब्लिकली हम बात करने से कतराते हैं, अगर वही चीज़ केंद्र बिंदु बन जाए तो वाकई में अजीब लगेगा। लेकिन जापान में यह बेहद सामान्य बात है। यहाँ एक महोत्सव में पेनिस की पूजा की जाती है। पवित्र स्थल के पास से पेनिस की प्रतिमाएं परेड में निकाली जाती है। तो हम मजाक नहीं कर रहे। जापान में हर साल कनामारा मत्सुरी नाम का महोत्सव मनाया जाता है। इसका पूरा नाम सिंटो कनामारा मत्सुरी है। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु पेनिस के इर्द गिर्द ही होता है, यानी हर जगह इसी थीम की चीज़ें नजर आती है। मसलन कैंडी, उकेरी गई सब्जियाँ, साज सजावट और खास मिकोसी परेड। परेड में स्टील के पेनिस की प्रतिमाएं निकाली जाती है। कार्यक्रम अप्रैल महीने में होता है, जिसे कनायामा जिंजा के पादरी कराते हैं, जो यहाँ एक पवित्र स्थल है। परेड और यह कार्यक्रम कावासाकी में कनायामा मंदिर के पास होता है। चूँकि कनायामा कई सालों से ऐसी जगह रहा है जहाँ शादीशुदे जोड़े बच्चों की मन्नत मांगने और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए लोग आते हैं। 17वीं से 19वीं सदी के दौरान यहाँ सेक्स वर्कर आती थी। उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिन्हें STD कहते हैं, ना हो, इसके लिए वह यहाँ दुआ मांगती थी। सेक्सुअल हेल्थ और बच्चा चाहने वालों से तब जुड़ा एक महोत्सव भी होता था, जो 1800 के आसपास गुम हो गया। फिर साल 1970 में मुख्य पादरी हिरोहिको नाकामुरा ने उसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया। खासकर पश्चिमी देशों में इसकी खबरें खूब दिखाई गई। आज से तकरीबन 10 साल पहले यह एक छोटा सा आयोजन हुआ करता था। शुरुआत में यह रात के वक्त मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसमें भीड़ बढ़ने लगी, उसे देखकर इसे दिन में मनाया जाने लगा। परेड में तीन तरह के पेनिस होते हैं। पहला दिखने में बेहद चमकदार होता है, वह मेटल का बना होता है, जिन्हें कंधे पर लोग उठाकर परेड में निकलते हैं। दूसरा यह पुरानी लकड़ी से तैयार किया गया हुआ होता है। वही तीसरा वाला जोशो ग्रुप, जो सबसे सजे धजे समूह लोगों का ग्रुप है, लेकर निकलता है। धन्यवाद।